friends, welcome to Roshan's classes by English Connection Online. Today we will read English NCERT class 3rd, unit 3, the chapter of the enormous turning. It is a progressive story in which a grandfather plants a turnip which grows so large that he cannot pull it up himself. He asked the grandmother for help and they together still cannot pull it up. Successively, more people are recruited to help. Unit, they finally pull the turnip up together. Now let's begin my story. Today's my topic is the enormous turnip. It means बहुत बड़ा सलगम. Students, जो टर्निप होता है ना, ये सेम हमारे रेडिश और कैरेट की तरह होते हैं. जैसे इसके जो फ्रूट होते हैं वो जमीन के अंदर होते हैं और जो लीव्स होते हैं वो जमीन के बाहर होते हैं. चलिए इस स्टोरी में हम लोग द एनार्मस टर्निप की कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या इसकी कहानी है. वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स. एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी टर्निप के कुछ बीज को वो बोया. A turnip seeds grew. Grew जो होता है ना, वो grow का second form होता है. Grow मतलब होता है उगना. तो जो turnip के जो सीड़े हैं, यानी जो सलगम के बीज है, वो बड़ा होने लगा. The turnip seeds grew and grew. जो turnip की जो बीजे थी, वो धीरे-धीरे कर करके बड़ा होने लगा. जैसे देखिए, starting इस कैसे-कैसे करके last में इतना बड़ा हो गया है. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. जो बूढ़ा आदमी रहता है ना, ये खुद से मतलब बात करता है कि मैं इस बड़े से टर्निप को बाहर निकालना चाहता हूँ. द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड. पुल्ड जो है वो पुल का सेकेंड फॉर्म है. पुल मतलब होता है खींचना. तो जो बूढ़ा आदमी है ना, ये एनार्मस टर्निप को, जो इतने बड़े टर्निप जो रहता है इतना बड़ा, इसको बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है. वो जोर जोर से खींचने लगा. बट ही कुड नॉट पुल अप द एनार्मस टर्निप. लेकिन बेचारा वो इतने बड़े टर्निप को वो बाहर अकेले नहीं निकाल पाया. आई वॉन्ट टू पुल अप दैट एनार्मस टर्निप, सैड द ओल्ड मैन. तभी ये एक औरत रहती है, जब इसके पास आती है तो ये बूढ़ा आदमी, जो बूढ़ा आदमी है ना, इस औरत से कहता है, इस लेडी से कहता है, ओल्ड वुमेन से कहता है कि मैं ये बड़ा जो इतना बड़ा सा सलगम है ना, मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ. I will help you, said the old woman. जब औरत उसकी बात सुनती है, जो ओल्ड वुमैन रहती है, जो उसकी बातें सुनती है कि बाहर निकालना चाहता है, तो ये बोलती क्या है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी. The old man and the old woman pulled and pulled. बूढ़ा आदमी और ये बूढ़ी जो औरत रहती है, ये दोनों लोग जोर जोर से इस एनार्मस टर्निप को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, खींचने लगते हैं. बट दे कुड नॉट पुल अप द एनार्मस टर्निप. लेकिन ये इतना बड़ा रहता है कि ये दोनों लोग से भी ये बाहर नहीं निकल पाया. अ बॉय केम. एक लड़का आया. वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनार्मस टर्निप, सैड द ओल्ड वुमैन. फिर जो ये औरत रहती है ना, इस लड़के से कहती है कि हम लोग इस बड़े से टर्निप को बाहर निकालना चाहते हैं. I will help you, said the boy. जब वो लड़का उनकी बातें सुनता है तो कहता है कि मैं आपका मदद करूँगा. The old man and the old woman and the boy pulled and pulled. देखिए, स्टार्टिंग में पहला ओल्ड मैन था, फिर थोड़ी देर बाद ये ओल्ड वुमैन उसकी मदद करने के लिए आई. अ थर्ड टाइम जब नहीं निकला तो ये बॉय आया. तो वो तीनों मिलकर के उसको बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, जोर जोर से खींचने लगे. बट दे कुड नॉट पुल अप द एनार्मस टर्निप. लेकिन ये बेचारे तीनों लोग जो थे, तीन पर्सन जो थे, वो उससे भी बाहर नहीं निकल पाया. अ गर्ल केम. एक लड़की आई. वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनार्मस टर्निप, सैड द बॉय. तभी लड़का जो है ये लड़की से कहा कि हम सभी लोग, यानी सभी लोग क्या, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमैन और वो लड़का, बोलता है कि हम सभी लोग इस टर्निप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं निकल रहा है. आई विल हेल्प यू, सैड द गर्ल. तभी लड़की उनकी बातें सुन करके कही कि मैं आप लोगों का मदद करूंगी. द ओल्ड मैन
एंड द ओल्ड वुमैन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। देखिए स्टार्टिंग में हमारा वन पर्सन था जो हमारा ओल्ड मैन था, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ओल्ड वुमैन आई, लेकिन इस समय हमारे कितने पर्सन हैं, हमारे पूरे 4 पर्सन हैं। तो ये चारों पर्सन मिल करके इस एनार्मस टर्निप को बाहर निकालने लगे। अब केम द एनार्मस टर्निप। थोड़ी देर बाद ये चारों लोग एक साथ जब निकाले तो वो टर्निप जो था वो बाहर आसानी से निकल गया। वी विल हेल्प यू टू ईट द एनार्मस टर्निप। अब देखिए क्योंकि ये आदमी जो था, जो ओल्ड मैन था, ये अकेले निकलना चाहता था, लेकिन उसकी मदद करने के लिए ओल्ड वुमैन आई, बॉय आया और थर्ड टाइम ये गर्ल आई। ये तीनों मिलकर के बोलते हैं कि हम लोग इस बड़े से सलगम को खाने में हम लोग मदद करेंगे। सेड द ओल्ड वुमैन एंड द बॉय एंड द गर्ल। देखिए जैसे कि किसने कहा, ओल्ड वुमैन ने कहा, फिर बॉय और गर्ल तीनों ने उस बुढ़े आदमी से कहा, एंड दे डिड, और लास्ट में वो वैसे ही किए, क्योंकि तीनों लोगों ने उसका मदद किया तो तीनों लोग उसके हकदार होते हैं ना। ये तीनों लोग ऐसे ही उसको खाने में भी वो लोग उसका हेल्प किए। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट ऑफ कोलाबोरेशन एंड दैट इफ वी ऑल वर्क टुगेदर वी कैन डू एनीथिंग। इस कहानी का नैतिक सहयोग है, अगर हम सब एक साथ काम करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने इस स्टोरी में देखा कि द एनार्मस टर्निप को किसी ने भी जमीन से बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन किसी से नहीं निकला, लेकिन सभी लोग जब एक साथ इकट्ठा हुए, एक यूनिटी बनाए तो वो इजी वे में वो जमीन से बाहर निकल गया। इसलिए कहा जाता है कि हम कोई भी वर्क को करें तो मिलजुल कर करना चाहिए। I hope this story would have understood you well. Thank you for watching my video.